क्या खरीदोगे आप? क्या लोगे आप? खिलौने? खिलौने क्या लोगे? कहाँ पर? और हमारी ड्रेस जो हम लेके आए हैं मैच हो गई है, ये कुर्ती और पैंट मैंने पसंद की थी हालांकि। तो जब से आधार कार्ड आ जाएगा तब से मानी जाओगी ना तुम मेरी वाइफ? नहीं, वो मैं 8 साल पहले बन चुकी हूँ। अगर कागज की बात करें तो आप। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन जॉइंट फैमिली में। और एकदम मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। और बाहर जो मुझे इतनी धूप में काम है, वैसे तो बहुत धूप हो गई है, इतना काम है, तो पहले मुझे अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट करानी है, उसके बाद जाएंगे हम डीकैथलॉन जिसमें स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलती हैं, कपड़ों वगैरह से रिलेटेड और सामान वगैरह। तो सो मुझे भी रनिंग के लिए कुछ लेके आना है, इनको साइकिलिंग जाते हैं उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेके आना है, और देखते हैं पार्थ के लिए भी कुछ देख लेंगे। उसके बाद मैं करूँगी मार्केट। मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी, तो सो मतलब मैंने लिस्ट बना रखी है, देखती हूँ क्या क्या मिलता है। पार्थ को मम्मी और डैडी को देखते हुए उसे लग रहा है कि मम्मी डैडी कहीं जा रहे हैं, तो वो पूछने लगा है कहाँ जा रहे हो, तो उसके लिए बोल दिया है कि बेटा हम डॉक्टर के यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रहे हैं। सो हालांकि अब वो बहकता नहीं है, उल्लू नहीं बनाया जा सकता उसका, वो गाड़ी देख के रोने ही लगेगा। पार्थ आ ही गए हैं और हम बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं है बिट्टू की। दोस्तों अपनी स्लीपर लेके भाग लिया हमारे पीछे, मैं भी चलूंगा। और अब तक जो हम इसे डॉक्टर का या इंजेक्शन का डर दिखाते थे, सो वो इसने एक तरफ रख दिया है। डैडी प्लीज मान जाओ, डैडी मैं भी चलूंगा, मतलब हमसे आगे आगे भाग रहा था, सो इसीलिए हमें लाना पड़ा। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या दिला रहे हो आज मुझे? मैं हूँ ही नहीं इसलिए तो फेस नहीं हटा रहा। जल्दी बताओ, सभी तो तुम्हारा है और क्या दिलाऊं। वैसे दोस्तों अभी फिलहाल तो बच्चों का ही सोच के चले हैं, देखते हैं क्या पसंद आ जाता है, पसंद के ऊपर भी बात है और क्या क्या लेके आते हैं। तो पहले तो जो आधार कार्ड में चेंज कराना है उसका जरूरी है, उसे ही कराएंगे और उसके बाद देखते हैं कहाँ जो जो सोच रखा है वहाँ कैसे कैसे जाते हैं। हम आ गए हैं डीकैथलॉन और यहाँ से खरीदेंगे हम जो जो चीजें हमने सोच रखी हैं। और आई थिंक पार्ट की भी कुछ डिमांड होने वाली है। ओपन नहीं है अभी, ओपन है आज। अच्छा रोज रहता है, कौन से फ्लोर पे है ये? पर क्या खरीदोगे आप? क्या लोगे आप? खिलौने क्या लोगे? कितने भैया? 40। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और पार्थ और पार्थ के डैडी एक साथ हैं, मैं पीछे हूँ। यार बच्चों को ले तो आते हैं पर बच्चे बहुत तंग करते हैं। उन्हें जितना जहाँ से रोकोगे ना उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर भागेंगे, और बच्चों का ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। सो पार्थ का बार बार मास्क कैरी करना पड़ रहा है, पार्थ फिंगर छोड़ के भाग जाता है, तो इतनी शैतानी तो बनती भी है बच्चों की। लो वो फिसल गया। कहाँ पर देखी आपने? बोल वहाँ पर देखी थी। चलो कहाँ पर?
और क्या बोला है? मम्मी देखो बोल, ये री देखो कहाँ पर, कौन सी वाली? ये वाली चाहिए आपको? आप बताओ ये वाली, ये वाली आपके घर तो है, आपके पास ये ऐसी तो है आपके पास, आपके पास है? दो मिनट से फाइनल करा लेती हूँ। ठीक है, पार्टी क्या हो रहा है, क्या पी रहे हो आप? आपको अच्छी लगती है क्या? अच्छा, ये कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए? ये बोल रहा था कि मम्मी ये किसका घर है और मम्मी में मम्मी मतलब बराबर में पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो उसको देखते हुए बोल रहा है मम्मी ऐसा बिस्किट मुझे भी लेना है और उसके बाद इसने इतने शोर मचाया है, मुझे हप्पा चाहिए हप्पा चाहिए, तो मतलब वेट नहीं हुआ तो कोल्ड ड्रिंक मंगानी पड़ी इसके लिए और पार्थ की शैतानियाँ देखते हुए पार्थ के डैडी ने नेक्स्ट जो हम जाने वाले थे मार्केट वो उसका कैंसिल कर दिया है और आज इरादा अपना ऐसा बना लिया है कि अगर मैं मार्केट करने के लिए आऊँगा तो पार्थ या क्यान को कभी नहीं लेके आऊँगा, इनके विदाउट ही मैं मार्केट करूँगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करूँगा, तो सो अब हम सीधा घर जाएंगे तो दोस्तों अभी शाम के 5 बजे हुए हैं और हम शॉपिंग करके और आधार कार्ड जो हमें अपडेट कराना था, मेरा आधार कार्ड अपडेट होना था तो वो फाइनली हम करा के आ गए थे, मतलब 2 बजे हम अपने घर आ गए थे, तो सो आधार कार्ड में तो 10 मिनट ही लगे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और बस मतलब फटाफट से हो गया था और फिर हम शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। तो सो मैंने जैसा आपको बताया कि पार्थ का कोई ले जाने का प्रोग्राम नहीं था, पार्थ अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो बहकता नहीं है, उल्लू नहीं बनता, मतलब इंजेक्शन वगैरह का जो बच्चों को डर दिखाते हैं वो सब अब उसके सामने फेल हो चुका है, कभी कभी बोल देता है कोई बात नहीं लगवा देना डैडी इंजेक्शन लगवा देना, सो वो मतलब अपने स्लीपर लेके भाग लिया हमारे पीछे कि मैं भी चलूँगा, तो हमें पता चल गया था कि अब ये रुकने वाला तो है नहीं, रुकेगा तो रोता रहेगा, तो सो हम ले गए और ले जाने के बाद जो हमारे मतलब काम थे ना, सही में बताऊँ वो चेहरे के एक्सप्रेशन तो ये ही बयां करेंगे, मैं तो इनके उनको देख के समझ गई थी उसने क्या किया। क्या पार्थ को ले जाने का प्लान तुम्हारा था? नो, मेरा प्रोग्राम नहीं था नहीं मतलब वो सडनली, तो उसको कपड़े पहनाए भी नहीं थे, तुमने ही कहा था कि हाँ नहीं ठीक है, नहीं वो उसके डेली के कपड़े थे कोई इतने अच्छे, मतलब ऐसे मेरा प्रोग्राम नहीं था कि स्पेशल मैं उसके मार्केट के लिए उसे कपड़े पहना ले, मैं तो सबसे ज़्यादा मतलब जब तक कंफर्टेबल एकदम तरीके से 10 मिनट इस शॉप पे 10 मिनट इस शॉप पे ना दो तब तक मुझे कोई मज़ा नहीं आता शॉपिंग करने में, और अगर आप छोटे बच्चों को अपने साथ लेके जाओगे तो मतलब मैं तो सही में मैं तो उनमें से हूँ, अपने कान आँख नाक सब बच्चे पे होनी चाहिए, शॉपिंग बाद में है, मतलब मेरा ऐसा था वैसे सारे टाइम तो मैंने पकड़ा रखा है वो डैडी के चिपकते इतने डैडी के चिपकते, अगर डैडी हैं और मतलब घर के जेंट्स हैं तो फिर मेरे घर के मतलब दोनों बच्चों को ये आदत है मेरे घर में स्पेशली कि अगर इस घर का कोई भी मैन है हमारे साथ तो बच्चे वुमेन पे नहीं जाएंगे, वुमेन इट मींस ना अम्मा पे जाएंगे ना मुझ पे जाएंगे, कोई मतलब नहीं इन्हीं लोगों का पीछा, तो सो अगर आप थे तो मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे रही थी और चीज़ें देख रही थी अच्छा। सो उस मतलब हाथ छुटा छुटा के दोस्तों ऐसे भाग रहा था, स्लिप कर रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब तुम उसका हाथ ही नहीं वहाँ पकड़ रही थी तो मुझे तो पकड़ना ही पड़ता, तुमने तो उसको इवन फ्री छोड़ दिया था। अच्छा और क्या, तो भले इनका कहने का मतलब है मैं ध्यान नहीं दे रही थी, तुम एकदम कुशल मम्मी नहीं हो
हाँ ये कुशल डैडी है। चलो ठीक है, कोई नहीं, आपने रखा सो मैंने रखा, बात तो एक ही है। पर आप वो वाले एक्सप्रेशन अपने बता दो जब आपने कहा था कि यहीं से घर चलो, यहीं से घर चलो, जबकि उसके बाद भी मतलब हम जो घर से सोच के चले थे, पहले आधार कार्ड अपडेट कराना था, उसके बाद हमें मॉल जाना था, और उसके बाद हमें मार्केट जाना था, मतलब मीन्स लोकल मार्केट जो होती है वहाँ जाना था। तो सो मतलब मैंने वहाँ जब स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें इन्होंने ली, वही मैंने मतलब इनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख लिए थे, और नहीं तो तुम्हें मैंने उसको पूछा रखना ही नहीं चाहिए था ना। मैंने पूछा ही जब नहीं जब तक मेरा नंबर आया, जब तक वो मुझ पे ही रहने लगा, ऊपर से शोर मचा लगा, डैडी प्लीज चलो। नहीं, तो ऐसे नहीं चलता, आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। पहली चीज, अगर मैं शॉपिंग करने जाऊंगा तो मैं बच्चों को नहीं लेके जाऊंगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर मैं शॉपिंग करने जाऊंगा तो अकेले जाऊंगा, तुम्हें भी नहीं लेके जाऊंगा। कोई बात नहीं। नहीं मतलब मीन्स मेरी शॉपिंग होगी तब तो मुझे लेके जाओगे ना। नहीं, आधा टाइम तो मुझे पार्थ को पकड़ने में निकल गया। हाँ तो पार्थ को घर छोड़ के मुझे तो लेके जाओगे। नहीं तुम्हें भी नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें लेके जाऊंगा फिर पार्थ, इसलिए तुम भी घर जाओ। तो दोस्तों थोड़े से बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम भागते हैं पीछे। और सबसे सबसे ज्यादा फिर वहाँ पार्थ बोलता है कि डैडी मुझे भूख लग रही है। फिर हम उसको लेके गए कहीं, तो कहता है डैडी मुझे हप्पा चाहिए, डैडी हप्पा दिला दो ना। शोर मचा रहा था, सब देख रहे थे। और हमारी ड्रेस जो हम लेके आए हैं मैच हो गई है, ये कुर्ती और पैंट मैंने पसंद की थी, हालांकि ऐसा कोई हमारा विचार नहीं था कि हम एक जैसी लेंगे, बस ये हमारी मैच हो गई थी। इन्होंने अपने लिए टी शर्ट ली थी, शॉर्ट्स ली थी, एंड मैंने ये कुर्ती और पैंट ली थी, तो सो हमारी मैच हो गई है। तो आज आप पूर्ण रूप से मेरी जो है धर्मपत्नी बन जाओगी, अगर आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा। और हाँ, मेरे जो आधार कार्ड में मैंने जो अपडेट कराना था, वो मेरा जो पुराना आधार कार्ड था उसमें मेरा जो मायके का एड्रेस था और फादर्स नेम वगैरह ये सब चीज़ें थी, हालांकि इनका भी नाम था। तो इनका अब जो मैंने अपडेट कराया है, मेरे ससुराल का एड्रेस है, और क्या नाम है, इनका नाम है, मतलब मीन्स धर्मपत्नी वाइफ ऑफ वो ऐसे करके। तो सो ये मैंने कराया है, और देखो कब तक आता है, मैंने उनसे पूछा भी था कि कब तक न्यू आ जाएगा, तो जब से आधार कार्ड आ जाएगा तब से मानी जाओगी ना तुम मेरी वाइफ। नहीं वो मैं 8 साल पहले बन चुकी हूँ। अगर कागज की बात करें तो आपसे ही होगा। नहीं वो मैं 8 साल पहले बन चुकी। नहीं, नहीं, नहीं। अब जिस दिन से आधार कार्ड मेरे पास आ जाएगा ना अपडेट होके, वर्षा शर्मा वाइफ ऑफ विपिन शर्मा, आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स मीन्स 10th 12th की मार्कशीट हटा के उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका है कि बैंक से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसमें देख लियो। सो मैं आपकी वाइफ हूँ तो मुझे उससे अलग और कुछ नहीं चाहिए। मैं कैसे मान लूँ? अरे बैंक की पासबुक नहीं है तो उसमें वाइफ ऑफ कहाँ है? वाइफ ऑफ है नहीं है। होता है नहीं होता? अरे नहीं है, है उसमें तुम्हारा आधार कार्ड लगा था। हाँ आधार कार्ड बेसिक तो एड्रेस है ना उसमें वाइफ ऑफ है। नहीं मैं अगले चक्कर में आज सो भी नहीं पाया। तो अभी तो दो छुट्टियां, सैटरडे और संडे, आज तो थर्सडे था ना, सैटरडे संडे तो लॉकडाउन होता है ना उसमें, तो मैं वैसे ही बाहर नहीं निकली। तो यार सो लेना ना, आज नहीं सोए, आज की छुट्टी में नहीं सोए हो तो सैटरडे संडे सो लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी भी मेरी बहुत सारी चीजें रह रही है, ठीक है? क्या रह गया है? नहीं बहुत सारी चीजें, अब ऐसे पूछोगे तो मैं लिस्ट बना दूंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। लिस्ट ही बना के दे दो और सारे को मैं टिक टिक करता रहूंगा, देखता एक दो साल में तो पूरी हो जाएगी ना वो। नहीं ऐसा थोड़ी ना, मतलब समय के हिसाब से जरूरतें बढ़ती हैं। नहीं एक बार खत्म कर लेते हैं ना सारी। नहीं ऐसा नहीं होता ऐसे। तो फाइनली दोस्तों आज शॉपिंग में बड़ा मजा आया, और हमारे पार्थ ने एहसास करा दिया है कि बेटा बड़ा हो रहा है अब। तो बस ये ही था आज का हमारा शॉपिंग और घूमना। थोड़ा सा ये है कि बाहर जाके थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है। तो बस दोस्तों आज के लिए, एंड हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अच्छा तुम बोल लियो। मैं सो ज्यादा मुझे बोल। नहीं आप ही बोल। नहीं है, तुम ही बोलो। नहीं आप, so आप ही बोलो। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बस बोल दिया। बोल दिया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।